नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर की एक और फैंटेसी 11 वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान मुकाबले की। इस मुकाबले में क्या कुछ होने वाला है, पिच रिपोर्ट कैसी होगी, प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है, वहीं साथ में फैंटेसी 11 कैसी होगी जो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिताने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इन सब टॉपिक्स पे हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहीं फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और साथ में YouTube पे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा कल दोपहर 2 बजे से। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 5 बार की डिफेंडिंग चैंपियन, और साथ में आपको अफगानिस्तान की टीम दिखेगी जो इस बार 4 मुकाबले जीत चुकी है और काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रही है। इंग्लैंड जैसी टीम को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया, तो यहाँ पे बड़े उलटफेर तो कर चुकी है। क्या एक और उलटफेर करने में ये सक्षम हो पाएगी अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि अगर यहाँ से उलटफेर करती अफगानिस्तान की टीम तो सेमीफाइनल में पहुंचने के इसके रास्ते बहुत क्लियर होने वाले हैं। पाकिस्तान को काफी बड़ा झटका लगेगा अगर कल अफगानिस्तान जीत जाती है और वहीं ऑस्ट्रेलिया जीतती है, तो वो तो अपनी और मजबूत स्थिति कर लेगी, पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर ही रहेगी, लेकिन अपनी थोड़ी क्वालिफिकेशन की तरफ और आगे बढ़ जाएगी सेमीफाइनल के लिए। तो अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें दोनों टीमों के मुकाबलों की ओडीआई क्रिकेट में, तो 3 मुकाबले खेले गए और तीनों मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। दबदबा ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ आप एक तरफा तरीके से जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अब वो पहली वाली टीम नहीं रहेगी है। इसमें काफी मैच्योरिटी आ गई है जो इनके बल्लेबाज हैं शुरुआत के, चाहे कप्तान की बात कर ले, चाहे रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, अजमतुल्ला उमर जई, इन सब ने काफी मैच्योरिटी के साथ खेल दिखाया, चाहे चेस करते हुए चाहे आपको टारगेट सेट करते हुए, इन दोनों चारों बल्लेबाजों ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है और अफगानिस्तान के लिए अच्छी शुरुआत दिलाई है और टीम को मुकाबले भी जिताया। साथ में गेंदबाजी में चाहे फजल अक फारूकी की बात कर ले, चाहे नूर अहमद, राशिद खान, मोहम्मद नबी, सबने अच्छी गेंदबाजी की है और टीम को एक पूरा कहीं ना कहीं एक अच्छे से सपोर्ट करा है बल्लेबाजों को भी, क्योंकि अच्छे टारगेट को जल्दी सामने वाली टीमों को जल्दी इन्होंने रोका भी है, फिर डिफेंड करते हुए भी इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर ली जाए, इंग्लैंड के खिलाफ बात कर ली जाए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। तो उम्मीद करेंगे कि दोनों टीमों का मुकाबला काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले। लेकिन अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो देखिए, जैसा मैं बता भी रहा था, मुंबई का ये वानखेड़े स्टेडियम है, यहाँ पे बल्लेबाजों को काफ़ी मदद मिलती है, 200-300 का एवरेज स्कोर यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। चाहे साउथ अफ्रीका को हमने यहां पे देखा था जिस तरीके से बल्लेबाजी करी थी, या फिर विराट कोहली ने भी जिस तरीके से यहां पे बल्लेबाजी करी थी, काफी बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने भी, भारत का भी यहां पे मुकाबला हुआ था, तो काफी अच्छी पारियां हमें देखने को मिली है। श्रीलंका के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी थी, तो काफी अच्छी यहां पे क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख सकती है। अगर यहां के एवरेज स्कोर की बात करें 247 है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा आपको 300 के आसपास का स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग तो जरूर वो 300 के पार का स्कोर बनाना चाहेगी, जबकि दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर यहां पे 196 है। 32 मुकाबले खेले गए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यानी कि चेस करते हुए यहां पे 15 मुकाबले जीते हैं। तो काफी नेक टू नेक मुकाबला रहा है, टॉस की भूमिका भी अहम होने वाली है। आप टॉस जीत कर यहां पे चेस करते हुए भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेस करते हुए भी ओस आती है, तो वहाँ पे चेस करते हुए थोड़ा बल्लेबाजों को अतिरिक्त मदद मिलती है। लेकिन हमने देखा था कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी करी थी यहाँ पे, काबिले तारीफ, और सिराज जो कि यहाँ पे तेज गेंदबाजों को भी काफी मदद मिली थी, तो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी आपको होते हुए दिख सकती है। इस विकेट पे स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों को मदद मिलेगी, हालांकि यहाँ पे मुंबई में हमने देखा है कि वानखेड़े पिच पे ज्यादातर तेज गेंदबाजों को उछाल और गति मिलती है, तो वहां पे तेज गेंदबाज ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो वहीं अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें दोनों टीमों की, तो आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज्यादा कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे नहीं। डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, जॉस इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, मार्कस टोइनिस, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, एडम सैंपा, जॉस हेजलवुड खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि मिचेल मार्श भी शायद टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो वो भी आपको, अगर वो आते हैं तो यहाँ पे कैमरन ग्रीन शायद आपको बाहर जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी, बट देखना होगा कि अगर मिचेल मार्श यहाँ पे वापसी
वापसी करते तो किसकी जगह करेंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या कॉम्बिनेशन के साथ कल ऑस्ट्रेलिया टीम उतरती है। हालांकि अभी तक के लिए जो प्रोबेबल 11 है वो यही हो सकती है। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हसमतुल्ला शाहिदी, मोहम्मद नबी, इकरम अली खेल, अजमतुल्ला उमर जई, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और फजल हक फारूकी। हालांकि कल मुझे लग रहा है कि शायद आपको नवीनुल हक की वापसी होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तेज गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद है, तो एक स्पिनर कम हो सकता है जो कि नूर अहमद आपको बाहर जाते हुए दिख सकते हैं। अब फैंटेसी 11 की बात कर लेते हैं। फैंटेसी 11 की बात करें तो यहाँ पे विकेट कीपर के पास आपके पास चॉइस है, काफी ज्यादा चॉइस तो है नहीं। जॉश इंग्लिश भी उधर ऑस्ट्रेलिया के पास है जो उतना खास फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज जरूर पिछला मुकाबला कुछ खास नहीं किया था, लेकिन इनको हम जानते हैं मुंबई की विकेट पे ये कितना कारगर साबित हो सकते हैं। विकेट पे जहां उछाल होता है तेजी से रन बनाते हैं, तो रहमानुल्लाह गुरबाज को आप एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद बल्लेबाजों की बात करें, डेविड वार्नर इनफॉर्म बल्लेबाज है, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर डेविड वार्नर को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। साथ में ट्रेविस हेड को भी, दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं और एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। वहीं उसके बाद स्टीव स्मिथ को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं, साथ में हसमतुल्ला शाहिदी, और अगर आप स्टीव स्मिथ को नहीं रखना चाहते तो उनकी जगह आप रहमत शाह की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि अफगानिस्तान के 3 नंबर पर काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी टीम में स्टीव स्मिथ को रख रहा हूं। तो यहां पे ये आपके बल्लेबाजों में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और हसमतुल्ला शाहिदी आपको दिख सकते हैं अच्छी पारियां खेलते हुए। वहीं ऑलराउंडर्स की बात करें तो मोहम्मद नबी आपके पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, बल्ले से अभी तक कमाल नहीं कर पाए, लेकिन कल शायद वो मुकाबला हो सकता है जिसमें मोहम्मद नबी आपको रन बनाते हुए दिख सकते हैं, गेंदबाजी से भी आपको विकेट लेते हुए दिख सकते हैं। जबकि मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्ला उमर जई को तो अपनी टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि दोनों ही गेंद और बल्ले से तेज गेंदबाज हैं दोनों, और साथ में बल्ले के साथ रन भी बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इन दोनों ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्ला उमर जई को। साथ में आप कैमरन ग्रीन को भी अपनी में रख सकते हैं, वो भी गेंदबाजी कराते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन अगर कैमरन ग्रीन नहीं खेलते तो यहां पे आप बल्लेबाजी में चॉइस आपके पास एक अच्छी आ जाएगी, आप मानस लबुशेन या फिर मिचेल मार्श में से अगर वो टीम में खेलते प्लेइंग में खेलते तो उनको ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में रख रहा हूं। वही बॉलर्स की बात करें तो यहां पे मिचेल स्टार्क और एडम जैंपा को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। हालांकि आपके पास दूसरी चॉइस भी है, आप फजल हक फारूकी और राशिद खान की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि मैंने इस मुकाबले में राशिद खान को नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ के विकेट आप देखिए कि स्पिन को उतना ज्यादा मदद देती नहीं है, तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है ज्यादातर, तो इस वजह से मिचेल स्टार्क और एडम जैंपा, क्योंकि मेरे को लगता है कि एडम जैंपा इस समय काफी बेहतरीन फॉर्म में और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है एडम जैंपा को खेलते हुए। तो ये थी फैंटेसी 11 ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान टीम की, उम्मीद होगी आपको पसंद आएगी और आपको ढेर सारे पॉइंट्स जिताएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, ताकि आपको अपडेट लगातार और सबसे पहले मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।